कंप्यूटर हार्ड डिस्क के प्रॉब्लम। दोस्तों मेरे पास कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा हार्ड डिस्क खराब हो गया है, मेरा हार्ड डिस्क कंप्यूटर पे नहीं दिखा रहा है, मेरा हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है। मतलब हार्ड डिस्क को लेकर कई प्रकार की बातें यहाँ पर लेकर आते रहते हैं मेरे पास और लोग कमेंट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर आज के शो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आती है उसे हम परमानेंटली कैसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया है और उसमें आपका प्राइवेट डाटा है या फिर उसमें आपकी पर्सनल डाटा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस डाटा को कैसे हम निकाल सकते हो भी सुरक्षित बिना कोई डाटा लॉस के, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। और अगर आप भी एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर आपके पास भी है, आप भी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना सीपीयू की ढक्कन को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा एक हार्ड डिस्क। और अगर ये हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर पर नहीं चल रही, नहीं दिखा रहा, काम नहीं कर रही, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये जो साटा केबल आपको मिल रही देख सकते हैं, साटा केबल, इसे आपको सिंपली बाहर निकालने की किसी प्रकार से देख सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर पर डीवीडी राइटर लगा है, डीवीडी राइटर देख सकते हैं आप, जैसे मेरे में लगा है, तो इसने भी जो साटा केबल लगी उसे आपको निकालनी है। देख सकते हैं इस तरह से ये वाला जो केबल होती है इसे साटा केबल कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सचेंज कर देनी है, जो हार्ड डिस्क पर लगा है उसे डीवीडी राइडर पर लगानी है, डीवीडी राइडर पर जो लगा उसे हार्ड डिस्क पर लगानी है, इस तरह से आपको एक्सचेंज कर देनी है, ठीक है। इस तरह से मैं इसे लगा देता हूँ। इसे लगाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, हमें ये भी एक्सचेंज कर दिया देख सकते हैं। एक्सचेंज करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको सॉकेट मिलता है यहाँ पर जो मदरबोर्ड पे जो लगा देख सकते हैं, मतलब एक छोर तो यहाँ लगा है और जो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर जो लगा है मदरबोर्ड पे, इसे आपको निकाल देनी है देख सकते हैं मदरबोर्ड वाला पॉइंट को। और यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं कई सारे यहाँ पर सॉकेट मिलेंगे देख सकते हैं साटा केबल के लिए। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है सॉकेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको दो तीन और मिल जाएंगे देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल चार यहाँ पर साटा केबल का सॉकेट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, जो मदरबोर्ड पर जो लगा इसे भी आपको निकाल के एक्सचेंज कर देनी है, जिससे भी लगा उसको निकाल कर कुछ सेकेंड वाले पर लगा देनी। जैसे कि अभी मेरे जो हार्ड डिस्क का जो ये साटा केबल है देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर लगा है, तीसरे नंबर पर, इसे अभी हम निकाल देते हैं। इस तरह से मैंने निकाल दिया, अब इसे हम फर्स्ट नंबर पे लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगाता हूँ फर्स्ट नंबर पे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नंबर पे लगा दिया। इसी प्रकार से आपको एक्सचेंज कर देनी है, मैं डीवीडी रीडर का भी जो सॉकेट है इसे लगा देता हूँ, इसे मैं लगा देता हूँ फोर्थ नंबर पर, इस प्रकार से लगा दिया मैंने। तो इस तरह से आपको एक्सचेंज कर देनी है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क अगर नहीं दिखा रहा है आपके कंप्यूटर पर तो मेन खेल साड़ा केबल का ही होता है, क्योंकि जो सेकेंड वाला जो केबल मिलता है ये क्या होता है पावर सप्लाई का है, तो इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हम अधिकतर जो है ख़राब नहीं होती, लेकिन ज़्यादा दिक्कत जो है साड़ा केबल के लिए ही आती है। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, अपने कंप्यूटर को एक बार चालू करके देख लेनी है, और अगर आपका हार्ड डिस्क चालू हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो आपको फिर क्या करनी है, जो नीचे का जो पिन मिलता है ये वाला इस प्रकार से जो पावर केबल होती है इसे आपको निकाल देनी है, और इसे भी आपको एक बार एक्सचेंज कर लेनी है। जो डीवीडी रीडर पर जो लगा है उसे आपको हार्ड डिस्क पर लगा देनी है, और हार्ड डिस्क पर जो लगा था उसको डीवीडी रीडर पर लगा देनी है। और अगर मान के चलिए आपके सीपीयू पर डीवीडी रीडर नहीं लगा है, दो सिर्फ हार्ड डिस्क ही लगा है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई पर हमेशा दो यहाँ पर ये वाला जो सॉकेट है पावर केबल ये मिल जाता है, तो आपको जो हार्ड डिस्क पर लगा था उसे निकाल करके जो सेकेंड वाला जो होता है इसे आपको लगा देनी, क्योंकि हर पावर सप्लाई पर ये वाला जो पिन होती है सॉकेट होती है हमेशा दो ही मिलती है, ठीक है। तो अभी हम एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पर किया एक्सचेंज, इस तरह से लगा दिया। जो हार्ड डिस्क पर लगा था उसको मैंने डीवीडी रीडर पर लगा दिया, और डीवीडी रीडर पर जो लगा था उसे मैंने हार्ड डिस्क पर लगा दिया कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पावर की वजह से भी कभी कभी हमारे हार्ड डिस्क पर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपके सीपीयू में जो प्रॉब्लम आ रही थी हार्ड डिस्क को लेकर के वो 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। और अगर मान के चलिए इसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क लगा है इसे आपको निकाल देनी है। निकालने के बाद इस हार्ड डिस्क को आपको किसी दूसरे सीपीयू पर डाल के देख लेनी, किसी के भी दोस्त यार किसी के भी सीपीयू पर डाल के देख लेनी, क्या दूसरे कंप्यूटर पर ये वाला जो हार्ड डिस्क काम कर रहा है या नहीं। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो गया है या फिर नहीं, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और अगर मान के चलिए आपके पास दो सीपीयू नहीं है या फिर आपके दोस्त यार के पास भी सीपीयू नहीं है, तो आपको करना क्या, चेक करने के लिए आपको कोई से भी एक नया हार्ड डिस्क उठा के लिया नहीं है, कोई भी हार्ड डिस्क नया पुराना जो भी हो, और उस हार्ड डिस्क को आपने अपने कंप्यूटर पर लगा देनी है, उसके बाद आपको चालू करके देखनी है। अगर नए हार्ड डिस्क पर आपका सीपीयू स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये जान लीजिए कि आपका जो हार्ड डिस्क लगा है वो खराब हो चुका है। और कभी कभी एक सिचुएशन और रहती है जो मैं आपको बता दूं, और आपको विशेष ध्यान भी रखनी है
ये जो साटा केबल होता है ना, ये कभी कभी ख़राब हो जाती है। हालांकि दिखने में नया जैसा ही होता है, लेकिन अंदर से ख़राब हो जा रही थी, जिसकी वजह से दिक्कत आती, क्योंकि मैंने खुद भी ये सब प्रॉब्लम को फेस किया है, देखा है, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब करने के बाद आपका जो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर को ब्लोअर से साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी धूल डस्ट लगने की वजह से भी ये दिक्कत आती है। हालांकि सीपीयू को कैसे साफ सफाई करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तब उसको भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर मान के चलिए आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो गया है, नहीं चल रहा है, और उस हार्ड डिस्क में आपका इंपॉर्टेंट डाटा पड़ी है, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित बिना डाटा लॉस के। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, एक डिवाइस आती है जिसका नाम है हार्ड डिस्क क्लोजर या फिर हार्ड डिस्क केस के नाम से भी उसे जानते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो भी बना दी, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसी डिवाइस की मदद से आप जितने भी आपके पास खराब हार्ड डिस्क है जो नहीं चल रही है, या फिर जो भी उसमें दिक्कत आ गई है, फिर कभी काम करती है कभी काम नहीं करती, इस तरह के जो भी दिक्कतें आ रही है आपके हार्ड डिस्क पर, उस हार्ड डिस्क को इस केस में फिट करके कनेक्ट करके उस हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डाटा पड़ी आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज़ को कई बार ट्राई किया, कई बार देखा है, मेरे खुद का जो हार्ड डिस्क है ख़राब हो गया था, तो उसके अंदर जो डाटा पड़ी थी उसे मैंने बड़ी आसानी से उस डिवाइस की मदद से बाहर निकाल लिया और मेरा कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ। तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर से एक बार देख लीजिएगा। इससे आपका जो भी डाटा है इंपॉर्टेंट डाटा जो खराब हार्ड डिस्क में पड़ी है, तो आप उस हार्ड डिस्क से उस डाटा को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक घंटे को भी दबा लेना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं 100% उसकी रिप्लाई करूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आदि संदीप पटेल शांत तो जाकर फॉलो कर लेना, उस पर भी मैं नए नए पोस्ट लेकर के आते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।